किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, 3 दिन बाद मंडी खुलने के बाद में लहसुन में कैसे क्या भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, आइए देखते हैं इस वीडियो में कि भाव कैसे क्या रहे हैं और आवक कितनी क्या रही है। तो किसान भाइयों, लहसुन में आवक अंदर बाहर 13,000 प्लस बोरी हैं और देसी लहसुन ऊपर में 18,800 रुपये तक बिका है। चरण साल माल की बात करें तो 3,000 से 6,500 रुपये तक बिका है। मीडियम माल की बात करें तो 7,500 से 8,500 रुपये तक बिकाएँ। मीडियम लड्डू माल की बात करें तो 8,500 से 9,500 रुपये तक बिकाएँ। लड्डू माल की बात करें तो 10,000 से 11,000 रुपये तक बिकाएँ। बॉम लड्डू माल की बात करें तो 12,500 से 13,500 रुपये तक बिकाएँ और बॉक्स माल की बात करें तो 14,000 से 18,500 तक बिकाएँ। किसान भाइयों, 3 दिन बाद मंडी खुलने के बाद में भी लहसुन में भाव में कोई तेज़ी देखने को नहीं मिली है, जबकि आवक भी कम है। किसान भाइयों, मई महीने में हो सकता है कि लहसुन में तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जितनी भी भविष्यवाणी हो रही है अभी उन सभी में बताया गया है कि लहसुन में भारी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो किसान भाइयों, देसी लहसुन में तो अभी कोई उतार चढ़ाव नहीं है, जो पहले 20,000 बिक रहा था वो 18,500 तक बिका है। किसान भाइयों, उटी लहसुन में भी भाव यही स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि आवके कम है फिर भी भाव में तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। उटी लहसुन में भी हम देखते हैं कि भाव में कैसे क्या देखने को मिला है। किसान भाइयों, उटी लहसुन 9,000 रुपये, 16,000 रुपये और 24,000 रुपये तक बिकाएँ। किसान भाइयों, उटी लहसुन में जो बॉक्स पैकिंग माल आता है वो 24,000 रुपये तक बिकाएँ। किसान भाइयों, आवके कम होते ही भाव में तेज़ी देखने को मिलेगी और मई महीने में अधिकतर तेज़ी देखने को मिलेगी। इसलिए किसान भाइयों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और अधिक किसानों के साथ शेयर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।